वेलकम बैक टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ टॉपिक व्हिच नेम इज सिस्टम सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक सो फ्रेंड्स आज मैं ये टॉपिक डील करूँगी uh, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डॉरे सिस्टम चलिए स्टार्ट करते हैं वाट इज डॉरि सिस्टम पेरेंट्स गिव टू देयर डॉटर एट द टाइम ऑफ़ मैरिज इज़ कॉल्ड डॉरी सिस्टम पेरेंट्स जो अपने डॉटर को एट द टाइम ऑफ मैरिज मैरिज के टाइम पे जो वो देते हैं अपनी बेटी को उसे हम डॉरी कहते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प गिवन टू न्यूली मैरिड कपल फ्रॉम ब्राइड पेरेंट्स टू इस्टेब्लिश अ न्यू होम ये एक हेल्प है जो कि न्यूली कपल को दी जाती है एक नया होम इस्टेब्लिश करने के लिए दिस कस्टम इज़ वेरी ओल्ड यह कस्टम बहुत ही ओल्ड है यह रीति रिवाज बहुत ओल्ड है बिकॉज इट वॉज़ अ वालेंट्री ऑफर क्योंकि यह वॉलेंट्री ऑफर है बट दिस डे इट इज़ अ इट इट हैज़ बिकम अ नेसेसरी इवन क्योंकि यह बहुत ही अभी के टाइम यह बहुत ही ज़रूरी क्राइम बन चुका है एक द बर्थ ऑफ द डॉटर इज नॉट ओकेज़न ऑफ जॉय फॉर द पेरेंट्स बिकॉज अ गर्ल वेन बिकम यंग इज़ अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स क्यों जब एक लड़की का जन्म होता है तो वो पेरेंट्स के लिए एक खुशी का दिन नहीं होता है क्योंकि जब लड़की यंग होती है तो ऑन दैट टाइम वो अपने माता पिता पे बर्डन बन जाती है क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा डॉरी देना पड़ता है दहेज देना पड़ता है लड़कों को इसलिए वह अपने माता पिता पे बोझ बन जाती है इसलिए वे डॉटर के जन्म के समय बहुत सारे पेरेंट्स को दुख होता है खुशी नहीं होती है इस डॉरी के कारण डॉटर ऑफ़ पुअर पेर पुअर पेरेंट्स गरीब घर गर की लड़की हा ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड कैन नॉट बी मैरिड टू अ रिच मैन सन गरीब घर गर की लड़की गरीब जो होते हैं गरीब माता पिता की बेटी जो कितनी भी खूबसूरत हो पढ़ी लिखी हो लेकिन उनकी शादी एक बड़े अमीर घर में नहीं हो पाती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं इस कारण चाहे वो सुंदर हो पढ़ी लिखी हो लेकिन वो गरीब घर की हैं इसलिए वो डॉरी नहीं दे सकती हैं इसलिए उनका शादी एक बड़े रिच मैन से रिच मैन सन से नहीं हो पाती है मैनी गर्ल्स कमिट सुसाइड टू सेव देयर पेरेंट्स फ्रॉम एवल ऑफ़ डॉरी बहुत सारी लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं अपने पेरेंट्स को इस एविल से बचाने के लिए डॉरी डॉरी से बचाने के लिए दिस कस्टम इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी अदर एविल्स या बहुत से क्राइम का जड़ है डॉरी दिस ये कस्टम पेरेंट्स कलेक्ट मनी बाई फेयर एंड फ्यू मीन्स टू सेटिस्फाइड द ग्रेड टू द ब्राइड ग्रूम पेरेंट्स बहुत सारे पैसे को जमा करते हैं ताकि जो वो डॉली जो देते हैं तो उससे वो सेटिस्फाइड हो जाएं जो दूल्हा होते हैं जो लड़के होते हैं वो सेटिस्फाइड हों उनसे इसलिए वो पेरेंट्स कलेक्ट करते हैं मनी आवर हैड डिसाइडेड टू रूट आउट दिस एवल फ्रॉम इंडियन सोसाइटी हमारी गवर्नमेंट डिसाइड कर ली हैं कि इसे इस जड़ से ही इसे हटा देना है इस इंडियन सोसाइटी से क्योंकि यह बहुत ही आ, क्राइम बन चुका है एक इससे बहुत सारी ये जड़ बन चुकी है बहुत सारे क्राइम की बहुत सारे पेरेंट्स को आ, पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए बहुत सारा क्राइम हो जाता है लड़कियों को जला दिया जाता है इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसे इंडियन सोसाइटी से हटा देना है तो फ्रेंड्स ये थे डॉरी सिस्टम के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो और मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पहले ही आपको बताया है अपने वीडियो में एंड फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और आ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद एंड फ्रेंड्स मैं इस क्या अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इजीली पढ़ सकते हो एंड जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में टॉपिक की तो थैंक यू फ्रेंड्स